हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू चैनल विनू के वीलॉग। सो गाइस, अभी है इवनिंग का टाइम और चलते हैं इवनिंग वॉक पे और देखते हैं नैनीताल में चल क्या रहा है। लेट्स गो। वाओ, कितना सुंदर लग रहा है ना गाइस। तो अभी यहाँ पे कोई धुन भी नहीं लग रही है और देखा जाए तो सीधा नीचे देखते हैं, ये है प्लेन एरिया और यहाँ पे काफ़ी धुन है। आ गए हैं नैनीताल की माल रोड में। क्या हवा चल रही है यार, मज़ा आ गया। वाओ, सनसेट कितना सुंदर लग रहा ना गाइस यहाँ से, ये देखिए। और यहाँ पे मिल रहे हैं गुड़िया के बाल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आज तो घूमने का मजा ही कुछ और है, इतनी ज़्यादा चहल पहल हो रही है, ऐसा लग रहा है पूरा देश ही यहीं आ गया है। बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ, सनसेट तो यहाँ से भी बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन शायद नीचे बहुत हल्ला हो रहा है क्योंकि ये वेटिंग कर रहे हैं अपनी बोट के लिए। सही है यार, मस्त है। कितनी मतलब लिस्ट लगी है ना यहाँ पे कि अपनी बोटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। अबे बोटिंग ही ख़त्म है, हर जगह इतना पैक्ड है। माय गॉड, एक तो सनसेट इतना खूबसूरत लग रहा है जिसकी कोई वर्णना नहीं कर सकती। देखिए दोस्तों कैसे बुला रहे हैं, फटाफट आओ करके, टाइम लॉक टाइम हो चुका है बोटिंग करने के लिए। तो खुशी हो रही है। ओए होए, क्या सुपर बाइक्स है यार। दोस्तों आपको मैं हर बार अपने वीडियोस में बताती हूँ कि 6 बजे के बाद यहाँ पे रास्ता बंद हो जाता है, तो दोस्तों थोड़ा सा इसका ध्यान आप भी रखिए क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ पे जो है गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को भी बहुत परेशानी होती है, इनफैक्ट हमें भी होती है। तो अच्छा है ना कि आप 6 बजे से पहले पहले यहाँ से गाड़ी निकाल लीजिए और इन्जॉय कीजिए। पूरी माल रोड में घूमने का तो मज़ा ही कुछ और होता है इतनी भीड़ में। ये देखिए सामने पूरा क्लोज हो चुका है। अब हम जाएंगे यहाँ से तिब्बत मार्केट की ओर, या भूटिया मार्केट जिसको बोलते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है वहाँ पे। सो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ भूटिया मार्केट और यहाँ से करते हैं हम आज कुछ शॉपिंग। तो देखिए आज मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ वैसे भी, तो देखती हूँ कि क्या कुछ नया मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माय फेवरेट वन। तो यहाँ पे है एक स्टॉल जो हमेशा मेरा फेवरेट रहा है क्योंकि मुझे यहाँ से आउटर जो है बहुत पसंद आते हैं, तो मैं मोस्टली लेती ही लेती हूँ और बहुत यूनिक से भी होते हैं और स्टाइलिश और चीप प्राइजेस होते हैं। आज तो वुलन स्टॉल्स में भी काफ़ी ऑफर मिल रहे हैं और यहाँ पर ना जो क्वालिटी है वो भी कुछ अच्छी आई है, तो मैंने भी एक दो स्टॉल अपने लिए ले लिए हैं जो मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे कि ये है। 6 बज गए लेकिन बहुत भीड़ हो रही, इतना हल्ला हो रहा है और जाने में इतनी परेशानी हो रही है क्योंकि मैं इतनी छोटी हूँ, ऊपर से हाइट भी बहुत टफ हो रहा है। वहाँ जाने कितनी बस अड़ा है, हम वहीं पर जाएंगे अभी, लेकिन जाना जरूर है। यहाँ पे मैंने देखा कुछ नया कलेक्शन आया है अम्ब्रेला का, बहुत क्यूट लग रही है यार सच में, लेकिन मैंने ली नहीं कभी। किसी को पसंद आई तो ऑफकोर्स आप लीजिएगा। और यहाँ पे है लाइटिंग, वाओ न्यू कलेक्शंस आए थे लाइटिंग हैंगिंग वाले, तो मैंने अभी परचेस तो नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतनी फैसिलिटी है नहीं घर पे कि जो मैं उसको लगा सकूँ, बट बहुत सुंदर लग रहे हैं यार गाइस, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं तो ना भूल ही गई थी मैं कहाँ पहुँची हूँ क्योंकि इतना रश हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है आप किस जगह पे हैं। और ऊपर से इतनी सारी यूनिक चीज़ें यहाँ पे आई है, इतना यूनिक कलेक्शंस आया ना, मज़ा ही आ गया। मैंने तो अभी शॉपिंग की थी मोस्टली कपड़ों की, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मिल सकता है आगे को। ये देखिए गाइस कितनी भीड़ है और सफोकेशन भी होने लगी थी एक बार तो मुझे कि यार सांस ही नहीं आ रही, इतनी अनकम्फर्टेबल हो गए यहाँ पर। गाइस सफोकेशन थोड़ा बढ़ने लगा है तो मैं निकल पड़ी सीधा वहाँ से ग्राउंड की ओर। मैं हूँ ग्राउंड पे मेन और यहाँ पे भी हो रही है बहुत भीड़, कितने सारे लोग आए हैं, कितने मज़े कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो खेलने लग गए हैं दो बच्चों के साथ, कुछ ऐसे घूम रहे हैं।
अब निकलते हैं वापसी घर की ओर। तो ये देखिए, ये है क्लॉक टावर, यहीं हमें वापस जाना है। तो भीड़ भी बहुत अच्छी खासी है, मज़ा ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि टूरिस्ट इतना अच्छा खासा यहाँ पे आया है और खूब इंजॉय कर रहे हैं हम लोग भी। और ये देखिए गाइस, कुछ नए कलेक्शंस यहाँ पे बैंगल्स के आए हैं। और सदाबहार आप सभी को पता होगा, यहाँ पे एक स्ट्रीट सिंगर है जो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, और उनकी रील्स और उनकी वीडियोस तो हर आपको यूट्यूब चैनल में दिखेंगे ही दिखेंगे। सो गाइस, ये थी इवनिंग वॉक नैनीताल में। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ यहाँ विजिट करके आप समर वाइब्स के मज़े ले सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे संग बीनू के वी लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।